सिरसा वेब फतेहाबाद जिले से जल्द होगा नशों का खात्मा, यह कहना है सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल का। रतिया पहुंची सुनीता दुग्गल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मीडिया के रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में नशे को लेकर सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में फैले नशे के अवैध कारोबार को लेकर अब सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। अपने अपने एरिया में नशे पर लगाम लगाने को लेकर आदेश भी जारी किए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल रतिया में मीडिया के रूबरू हुई और बताया कि नशा तस्कर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि नशे के लिए हम खुद भी बहुत चिंतित हैं और नशे को लेकर हमने केंद्र में बहुत से जो हमारे मंत्रीगण हैं उनसे इसके बारे में चर्चा की है और बहुत अच्छी रूपरेखा जो है वो इसके खिलाफ आप जितना की तैयार हो रही है। और हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जो है वो तत्परता के साथ जो है सभी, आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोस के जितने भी DGP हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की और उसमें उन्होंने जो हमारे बॉर्डर पार से जो नशे की यहाँ पर खेप आती है, जिस तरह से वहाँ पर तस्कर जो है वो एक्टिव रहते हैं, तो इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी DGP के साथ मिलकर भी बैठक करी है। उसमें उनको जो है इसके बारे में बताया गया है कि अपने अपने एरिया को जो है उसकी संभाल करेंगे और देखभाल करेंगे ताकि और सख्त से सख्त कार्रवाई उन तस्करों के खिलाफ की जाएगी जो भी इस तरह के काम में लिप्त पाए जाएंगे। घग्गर नदी के दूषित पानी से लोगों को निजात दिलाने के लिए सुनीता दुग्गल ने कहा कि इससे लेकर मुख्यमंत्री द्वारा 2 करोड़ की राशि घग्गर नदी को साफ करने के लिए जारी की गई थी, जिसको लेकर जल्दी कार्य शुरू होगा और जल्दी ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। घग्गर को लेकर मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों जो भुना में आए थे तब उन्होंने 2 करोड़ रुपया यहाँ के लिए सैंक्शन किया था कि यहाँ के लिए अनाउंस किया था कि 2 करोड़ रुपया जो है वो घग्गर नदी की सफाई के लिए किया जाएगा और बहुत जल्द जो है इस तरह की जो है बातचीत चल रही है, क्योंकि ये भी घग्गर भी जो है वो पंजाब के साथ कनेक्टेड है। आप देखते होंगे कि पंजाब के जितनी भी जो कोई फैक्ट्रियाँ हैं उसके अंदर इसका दूषित जल जो है वो आता है, इसलिए कोशिश है कि उनके साथ बैठकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से हम घग्गर के पानी को साफ करें, और इसलिए उन्होंने 2 करोड़ रुपया अनाउंस किया था और बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि घग्गर नदी का जल जो है वो साफ। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि आम लोगों को राहत देने वाला बजट है, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि हमारे अभी जो हमारी पहली महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह का बजट पेश किया है, एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, उनका उन्होंने बजट पेश किया है, तो मुझे लगता है कि अब विकास की गाड़ी बहुत तीव्र गति से दौड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक सोच है, जो उनका विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में सुनीता दुग्गल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 75 से पार का जो नारा दिया गया था, यह आंकड़ा उससे भी पार होगा। उन्होंने कहा कि अब पूरे प्रदेश में विपक्ष खत्म है और कई पार्टियों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल 75 से पार होगा। आप देखिए कि उसी संदर्भ में जिस तरह से मेरे पास 2 विधानसभा है, एक सोनीपत जिले की राय विधानसभा जिसकी की कल बैठक हमने ली थी और आज जो है ये रतिया विधानसभा की जो है सभी मंडलों की बैठक लेनी है। हम अभी तक फिर नाना मंडल और नागपुर मंडल की बैठक ले चुके हैं और अभी जो है रतिया ग्रामीण और रतिया शहरी ये दो बाकी हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। मुझे लगता है जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं में जोश है उसके हिसाब से 75 पार जो है बहुत पार चला जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो भी महसूस कर रहे हैं और जनता जो है वो भी चाहती है। तो बिल्कुल आपकी बात, फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा में भी बनी है। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने रतिया विधानसभा के 3 भाजपा मंडल बिरदाना मंडल, नागपुर मंडल, रतिया मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कंचन TV के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।